हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियो नए गणेश के साथ में। आज ये पंजा की के अंदर दूसरा वाला जो है ये फ्रेम 2 पॉइंट ये क्या है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में सीखते हैं। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये इसके बारे में आपने पहले ही देख चुके हैं, मैग्नीफाई रोटेट एंड रिपीट सेटिंग के बारे में। तो इसका अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक मैं आई बटन में देता हूँ, ऊपर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 नंबर तो फ्रेम 2 पॉइंट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इधर से 2 नंबर दबा देंगे तो भी हो जाएगा। इंटर करेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है गो अहेड स्टिच, मतलब कोई डिजाइन है। अभी ये जो डिजाइन है इसका स्टिच अगर आगे करना है आपको, मतलब फॉरवर्ड करना है, पर उतना जितना आप चाहते हो तो ये इसका यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए मैं जब पंजा की प्रेस किया उसके बाद में 2 नंबर में फ्रेम 2 पॉइंट में गया, फिर 1 नंबर को इंटर करता हूँ तो उधर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कितना स्टिच लिखना है, मतलब कितना स्टिच आप फॉरवर्ड करना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो। इधर दिखा रहा है तो मैं इधर 2000 लिखूँगा क्योंकि मेरा डिजाइन छोटा है। ये जो डिजाइन है 3403 स्टिच का है तो 2000 आगे करते हैं। तो इतना करने के बाद में फिर जो चालू करने वाला डंडा होता है उसको आगे प्रेस करेंगे, चालू करेंगे, मतलब चालू कर दिया मैंने और देखिए वो अपने आप गया और 2000 स्टिच ये आगे फॉरवर्ड हो चुका है। फ्रेम भी उधर मूवमेंट हुआ है पर मैंने कपड़ा नहीं लगाया तो उसका मूवमेंट नहीं दिख पाया। तो उसका काम वही है जैसे आपको 2000, 4000, 10000, 20000 डिजाइन के हिसाब से। अभी ये छोटा डिजाइन था इसके लिए 2000 मैंने आगे किया, अगर 10000 भी करता तो भी चला जाता। अभी देखिए फिर उसका गो बैक स्टिच इंटर करेंगे, इसमें 2000 आगे गया है तो 1000 पीछे करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद में 1000 लिख दिया, उसके बाद में इंटर। अब ये पीछे करना है तो आपको पीछे डंडा को पीछे प्रेस करना है, जैसे मशीन रोकते हैं उस तरफ ऐसे कर देंगे और देखिए पीछे होते गया। और यहाँ आपको दिखा देता हूँ ये 1000 करेंट स्टिच 1000 हो गया। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर इसका दूसरा वाला फंक्शन है, मैं ना डिजाइन दूसरा लोड कर लेता हूँ इसमें। मैं चलिए ये वाला डिजाइन लेता हूँ इंटर। तो इसमें देखते हैं अभी आपको पेंटोग्राफ का भी थोड़ा सेटिंग कर देता हूँ। अब देखिए फंक्शन मतलब पंजा की प्रेस किया, फ्रेम 2 पॉइंट और एड स्टिच करता हूँ फिर से, इधर 10000 लिख दूँगा आगे इंटर। अब
अब ये जो डंडा है इसको इधर कर दूंगा, तो वहाँ देखिए ये बनते बनते जा रहा है। अभी यहाँ देखेंगे तो ये 3944 ये बढ़ते जा रहा है। अब जैसे ही 10,000 हो जाएगा, देखिए कैंटोग्राफ भी खींच सकते हैं अपने जगह पर, तो ऐसे होता है। उसके बाद में इसको वो करना होगा, पीछे करना होगा बैग स्टिच, गो बैग स्टिच इंटर करेंगे। उसके बाद में फिर इधर 10,000 आगे किया हूँ तो 8,000 पीछे करता हूँ इंटर। अब देखिए अब वही जो डंडा है उसको मैं पीछे करता हूँ, ये किया तो ये देखिए इधर पीछे पीछे जा रहा है। यहाँ देखिए जैसे ही हो जाएगा, ये देखिए हो गया, ये इधर देखिए 2,000 किया था, 8,000 घटा दिया, 2,000 बच गया अभी। तो ऐसे वो काम करता है। फिर अभी आगे कौन सा है, फ्रेम टू पॉइंट इंटर करेंगे, नेक्स्ट कलर चेंज कोड। अब इसमें उतना मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए फिर आपको डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। एक छोटा वाला डिज़ाइन है ना, उसमें पता चलता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। अभी देखिए अब फंक्शन में फ्रेम टू पॉइंट 3 नंबर वाला नेक्स्ट कलर कोड जो है इंटर कर दूँगा, इंटर करूँगा। फिर नेक्स्ट मतलब आगे जाना है, आगे जाना है तो मशीन को चालू करना पड़ेगा। ये जो लाल आ गया ना, तो एक कलर आगे जाएगा, देखिए एक कलर गया, मैंने रोका ही नहीं है, अपने आप रुक गया 819। अभी फिर दूसरा करना होगा तो फंक्शन में जाके फिर से, मतलब पंजा की में जाके फिर से नेक्स्ट कलर कोड कर दूंगा, फिर आगे चालू कर दूंगा तो फिर एक कलर जाएगा। ये देखिए दूसरा कलर आगे गया, मशीन भी उधर खिसक रहा है। अगर इसी में अब दूसरा फिर पंजा की में प्रेस किया, फिर उसी जगह पे गया, ये जो 4 नंबर में है प्रीवियस कलर कोड, मतलब पीछे वाला कलर कोड, जब पीछे जाना होगा तो आपको डंडा को पीछे करना पड़ेगा, बैक करते हैं उस तरफ, तो ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करूँगा तो वो जो ग्रीन कलर का जो बना हुआ है एक कट जाएगा। देखिए सॉरी, एक बार में नहीं, 2 बार करना पड़ेगा पीछे के लिए, प्रीवियस कलर कोड 2 बार करना पड़ेगा। अब जाएगा, ये देखिए ये फ्रेम भी दिख रहा है। तो आपने अभी गो अहेड और गो बैक स्टेज, नेक्स्ट कलर कोड, प्रीवियस कलर कोड ये सीख लिए। अभी ये जो है ना 5 नंबर में नेक्स्ट स्टॉप कोड और 6 नंबर में प्रीवियस स्टॉप कोड, तो ये आपने ये डिजाइन पे स्टॉप नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके मशीन पे स्टॉप डाला हुआ है तो ये भी काम करेगा, जैसे मशीन रोकने के लिए स्टॉप डालते हैं उस जगह पे, मशीन रुकने वाला जगह पे जाके वो रुक जाएगा। और प्रीवियस अगर 1, 2, 3 कितना स्टॉप डाले होंगे, कुछ काम करना पड़ता है मशीन रोकने के बाद में, तो वो स्टॉप डालते हैं, मशीन रुक जाता है अपने आप। फिर उस समय आपको पेपर लगाना होगा, कुछ करना होगा, ऊपर से जो चमकने वाला पेपर लगा के एम्ब्रॉयडरी होता है, या तो फिर आपका जो मिरर लगाते हैं वो सब के लिए इस्तेमाल होता है स्टॉप। अगर आपका मशीन सपोर्ट करता है या कंप्यूटर में ये फंक्शन है तो आप स्टॉप कर सकते हो,